हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आप देख रहे हो mom, True, मेरा नाम है Sonam, और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल वेस टू रिड्यूस योर स्ट्रेस एनजाइटी हमारी डे टू डे लाइफ में हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन न्यू मॉम हो या एक टॉडलर की मॉम या एक मिड टीनेज की मॉम Uh, हम लोगों की सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है uh, ये पैंडमिक ने बहुत सारी चीज़ों का तरीका बदल दिया है जिससे बहुत लोग इंक्लूडिंग मी अब तक भी अडेप्ट कर पाए हैं हस्बैंड का घर रहना अलग अलग डिमांड्स करना फैमिली मेम्बर्स सारे साथ रहना ये एक हद तक पॉजिटिव होता है बट कभी कभी हम इन चक्रों में जो हाउसवाइफ होती है अपनी सेल्फ केयर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाती सो so, आज की वीडियो है कि अपने स्ट्रेस एनजाइटी या डिप्रेशन में अगर आप हैं तो कैसे प्रैक्टिकल वेज़ में आपके साथ शेयर करूँगी कि आप एक मेंटल पीस मेंटल हेल्थ की तरफ अपने आप को डायरेक्ट कर सकते हो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे लगता है कि मैंने अपने साथ भी करा है वो है डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ मैं एक वर्किंग वूमेन थी फिर हाउस uh, वाइफ बन गई फिर उसके बाद मैं एक मदर बन गई और मुझे लगता था कि मैं एज इंडिविजुअल सोनम को खोती जा रही हूँ एक मैं खुद को खोती जा रही हूँ तो मुझे मेरे पे बहुत प्रेशर था कि मैं सब कुछ अच्छे से बैलेंस करूँ पर जैसा हम सोचते हैं हर वक्त हर बार हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती मुझे लगा था कि मैं जापे के फेस के बाद बहुत जल्दी रिकवर कर जाऊँगी ऑल तो मैंने किया पर मैं उससे भी जल्दी चाह रही थी पर हर चीज़ को टाइम लगता है जिस भी दिन कुछ भी बैलेंस नहीं होता था मैं अपने आप को ब्लेम करती थी अपनी मेंटल हेल्थ पे ट्रोल लेती थी कि आ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही मुझे शायद से यूट्यूब अपना बाकी सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए मैं एक अच्छी मॉम नहीं हूँ मैं अपने बाकी रिलेशंस अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से नहीं संभाल पा रही बट द फैक्ट इज़ कि सबकी लाइफ में वो फेस आता है चाहे वो हमारी मदर हो या मदर इन लॉ सो so, मेरी फैमिली वाली तो मुझे समझ रही थी पर फिर भी मैं एक गिल्ट में जाती जा रही थी जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा सो so, पहली एडवाइस जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अपने ऊपर एकदम से इतना ट्रोल मत डालो अगर एक दिन एक हफ्ता या कुछ महीने आप नहीं काम कर पा रहे हो मेरे केस में मैं न्यू मॉम थी आपके केस में कुछ भी हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई या आपने दो ही कदम पीछे लिए हैं आप मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं हो दूसरा पॉइंट था मेरा स्टार्ट फीलिंग लाइट आप वो कैसे भी कर सकते हो मैंने अपनी और वीडियोस में शेयर करा था कि मैंने थिंक राइट डॉट मी एप्लीकेशन में पेड सब्सक्रिप्शन ली है सो so, उससे मैं अभी तक योगा तो शुरू नहीं कर पाई बट ओम चांटिंग और मेडिटेशन uh, म्यूज़िक जो लाइट म्यूज़िक होता है और कुछ सेशंस हैं जो प्री रिकॉर्डेड सेशन हैं बट ऑबियसली बट अगर आप उन्हें सुनोगे ना तो आपको फ़ील होगा मतलब वो जो योगा के सेशंस होते हैं जैसे एक दो एग्ज़ाम्पल दूँ तो योग निद्रा वो 22 मिनट की होती है और मुझे पता नहीं चलता कि मैंने कब सुनी मैं कब सो गई और मुझे इतना लाइट फील होता है अगले दिन अगली मॉर्निंग की मैं बता नहीं सकती जब वो बोलते हैं ना कि आप अपने फेस से अपना स्ट्रेस रिड्यूस करो तो मैं इमेजिन नहीं करवा सकती आपको वीडियो के थ्रू कि मुझे यहाँ से इतनी मतलब पूरे फेस पे ऐसा लगता है कि उन्होंने बोला ना वो चीज़ मैं खुद बाद में बोलती ना तो मैं वो फीलिंग नहीं फेस कर सकती पर जब वो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं बल्कि तो उसमें फ़ील होता है कि वो बोलते हैं आप अपने फेस से टेंशन रिलीज़ करो और ग्रेजुअली कुछ होता है और वो इतना ज़्यादा कामिंग और सूदिंग होता है जिसकी आई गेस मैं वीडियो में नहीं समझा पाऊँगी आपको उस चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस करना होगा आप मत लो पेड सब्सक्रिप्शन ऑल दो वो बहुत सस्ती है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी पचास रुपये महीने के हिसाब से आएगी इसमें मैंने नौ सौ रुपये दिए थे डेढ़ साल के तो ये बहुत अच्छी डील थी एंड उसके अलावा आपको YouTube पे बहुत सारे मेडिटेशन की वीडियोस ऑडियोस मिल जाएंगी आप डाउनलोड करो अगर आपको ऐड नहीं चाहिए बीच में तो आप वो भी कर सकते ये पेंडेमिक की वजह से आ, बहुत लोग अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं जिसमें मैं भी थी मैं भी कुछ टाइम पहले ऋषिकेश गई थी उसका मैं ब्लॉग अब तक नहीं ला पाई आई विल मेक इट श्योर कि आ जाए जल्दी बट कभी कभी हमारी लाइफ में ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाने से पहले मुझे लगता था कि बस अगर मैं पंद्रह बीस दिन और नहीं गई ना कहीं पे भी इवन मुझे अपने घर में नहीं जाना था क्योंकि आप एक उस स्टेट में होते हो जिसमें आपके पेरेंट्स आपकी हालत बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो वो ये सारे क्वेश्चन की क्या हो गया और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी उस टाइम पे सो तो मुझे कहीं जाना था बाहर और चाहे एक दिन के लिए मुझे बहुत डेस्परेट नीड थी पर हम तीन दिन के लिए गए थे तो मेरे लिए बोनस था सो so लाइफ में एक छोटा सा भी ब्रेक हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट ला सकता है ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था आप मत जाओ वेकेशन पे आप कहीं अननोन जगह चले जाओ आप कहीं आ, सिर्फ एक स्टेकेशन कर लो एक दिन का आपको बहुत अच्छा फील होगा अगला पॉइंट है मैंने अब तक शुरू नहीं किया है बट बहुत सुना है बहुत पढ़ा है मैं अमेज़ोन से ज़रूर मंगवाऊँगी और उसका रिव्यू इस चैनल पर लाऊँगी वो है सेंटेड कैंडल्स और जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो रूम की फ्रेगरेंस के लिए होते हैं मुझे ये सब पता नहीं क्यों फालतू के खर्चे लगते थे टिल डेड भी लगते हैं पर मैं एक बार ये ट्राई ज़रूर करूँगी कि कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जो आपका स्ट्रेस रिलीव करने में आपकी हेल्प करते हैं तो क्या ये इफेक्टिव है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए या जब आप मेडिटेट करो या दस मिनट भी बैठो तो जैसे सेंटेड कैंडल्स होती हैं अरोमा ऑयल्स होते हैं तो आप उन्हें अपने आसपास जैसे भी यूज़ करते हैं वैसे कर लो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा कि मैं इस वीडियो में शेयर करूँ क्योंकि मैं करूँगी और मुझे इससे लगता है कि फ़ायदा होगा तो आई होप आप भी करो तो होगा जो मैं परचेस करूँगी उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगला मुझे लगता है कि ये हर मेल या फीमेल को करवाना चाहिए वो है अपना पैम्परिंग करवाओ पर एक थोड़े आयुर्वेदिक वे में चाहे आप डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स चले जाओ नेचुरोपैथी सेंटर चाहे पंचकर्मा ऑप्ट कर लो चाहे किसी स्पा सेंटर में चले जाओ आजकल तो हमारे इंडिया में चाइनीज़ थेरेपीज़ भी बहुत फेमस हैं और बहुत चल रही हैं या अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते और आपका बजट बहुत ज़्यादा लो है आप हज़ार दो हज़ार रुपये ही अपने पे खर्च कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है मालिश वाले जो लोग होते हैं उन्हें घर पे बुला लो अभी तो ओमिक्रोन का टाइम चल रहा है पता नहीं ये सब कोविड तीन साल हो गए कब तक कैसा रहेगा आगे भी बट But... ये जो मालिश वाले होते हैं मतलब मेरी जो जापे की मालिश वाली आंटी थी मैं सच मैं उनकी मालिश अभी भी मिस करती हूँ मैं बस जब अपने घर जाऊँगी तो उन्हें फिर भी पाँच दस दिन के लिए बुलाऊँगी वो टाइम आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग वाला होता है जब आपकी बॉडी की मसाज हो रही होती है वो भी एक ऐसे प्रोफेशनल से जिसे पता है कि कौन सी नस दबानी है कैसे सो so, uh, अभी तो कोविड के चक्कर में मैं भी नहीं जा पाई बट आई विल मेक श्योर मैं जब भी जाऊँ तो वो मालिश वाली आंटी को ज़रूर बुलाऊँ ऑल दो उन्होंने मेरा अंगूठा खींच दिया था जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी बट आई विल मेक श्योर कि अब मैं उन्हें अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना बताऊँ जिससे मेरे को बाद में वो दिक्कत हो जाए रोज़ दिन के पाँच से पचास मिनट अपने आप को तो जितना आप दे सकते हो पाँच मिनट पंद्रह मिनट पच्चीस मिनट और उसमें फ़ोन अलग रखना ये चीज़ ने मेरी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला है और तो मुझे टाइम तब मिलता था जब डांसी तीन चार बजे सोती थी और वो तीन चार बजे मुझे पाँच छः बजे उठना है तो वो जो दो घंटे है ना मुझे लगता था मैं बस सो ना वो जो जिसे कहते हैं ना मी टाइम वो बहुत ज़रूरी है आजकल की जनरेशन के लिए क्योंकि हमारे आसपास हर छोटी से बड़ी चीज़ में स्ट्रेस है जो कुछ फालतू का भी लेते हैं हम पर उस चीज़ को अपनी आप पे हावी ना होने देना ये एक आर्ट है आज की डेट में और आपको इसे सीखना पड़ेगा आपको इसे एक्वायर करना पड़ेगा कि आप अपनी मेंटल हेल्थ अपनी सेल्फ़ केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो और समझो कि ये कितना ज़रूरी है कोविड ने हमें ये सिखा दिया कि लाइफ एकदम से बदल सकती है आप कितना ही पैसा कमा लो जब तक आप उसे टू द मैक्स यूज़ नहीं कर पाओगे उस पैसे से जो सुख है अल्टीमेटली मतलब ये ज़्यादा ज्ञान हो रहा है पर अल्टीमेटली आपको जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में करियर बिल्ड कर रहे हो आप अप अपने मतलब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो बिज़नेस चला रहे हो आपको क्या चाहिए अपने और अपनी फ़ैमिली के लिए खुशी और सुख अगर आप उस पैसे से वही चीज़ नहीं खरीद सकते या नहीं जानते उसे कैसे यूज़ करनी है तो आपका पैसा कमाने का फ़ायदा नहीं है अगर आप एक फ़ीमेल हो और आप अपने घर में कुछ चेंजेस लाकर अपने फैमिली मेंबर्स की मेंटल हेल्थ पे कुछ पॉजिटिव चेंज कर सकते हो तो ज़रूर करो और अगर कोई जेंट्स हैं मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स मेल्स भी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं मानती हूँ आपकी लाइफ हमारी लाइफ से बहुत अलग है एक लाइन होती है जो हर हस्बैंड की मेरे हस्बैंड की नहीं है बट मैंने बहुत लोगों की सुनी है कि तुम्हें क्या पता कि बाहर कितनी दिक्कत है एग्रीड हमें नहीं पता बाहर कितनी दिक्कत है पर आपको भी नहीं पता कि अंदर कितनी दिक्कत है स्ट्रगल दोनों की लाइफ में है चाहे वो एक आदमी हो या औरत स्ट्रगल पापा की लाइफ में भी होता है और एक माँ की लाइफ में भी होता है हर चीज़ में बराबर का हक़ दो एक दूसरे को हर चीज़ में समझो इस बात को कि घर एक हिस्से से नहीं चलता अगर आपको एक टीम बनानी है तो आपको टीम मेंबर्स की तरह काम करना पड़ेगा अगर आपको अपने बच्चों का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करना है तो उस बच्चे के फ्यूचर के दोनों पिलर्स आप हैं और वो बराबर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए तो इस चीज़ को समझते हुए अगर आप एक मेल पर्सन हो जो ये वीडियो देख रहे हो आप तक पहुँची है ये वीडियो तो इस चीज़ को समझो कि सिर्फ आपको या सिर्फ़ उनको नहीं आप दोनों को सेल्फ़ केयर मेंटल हेल्थ की तरफ सोचने की बहुत ज़रूरत है यही चीज़ को समझते हुए गौरव ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं अपनी हेल्थ को लेके और आगे भी लेंगे हम दोनों ही और अपने इससे रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होता है मेरे आगे 2022 का एक ये भी गोल है कि हम सेम जिम में जाएं जिम में जाएं और साथ रहेंगे तो चले भी जाएंगे एक दूसरे को ताने मारते हुए पर देखिए कब तक कोविड की सिचुएशन है कब तक क्या होता है देखते हैं आगे ब्रेन डंपिंग ये होती है ब्रेन यानी दिमाग और डंपिंग यानी फेंकना तो आप अपने दिमाग से कचरा उठा के फेंकते हो ये ट्रिक या टिप मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती हूँ खुद की वजह से या किसी और की वजह से उसमें चाहे कभी कभी एक मदरहुड का रोल आ जाता है या एक वाइफ का गुस्सा आप कुछ भी कह सकते हो सो so, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ अकेली इस चीज़ ने अगर आपको इस वीडियो से इस बीस मिनट की वीडियो से कुछ भी लेना है तो आप ये लो इस आदत को अपने अंदर इंडल्ज करो और जब भी आपको गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन आए किसी को बातें सुनाने की या अपने दिमाग में अपने अनकॉन्शियस में बोलने की बजाय आप एक कॉपी और पेन उठाओ और जितना जो भी दिमाग में आ रहा है ना उसे लिख दो आप इमेजिन नहीं कर सकते जब आप पेन रखोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करोगे आपके शोल्डर्स आपका सर आपका दिमाग मतलब ऐसा लगेगा कि अपना सारा फ्रस्ट्रेशन आपने कॉपी पे उतार दिया जिसकी वजह से आपके रिलेशन ख़राब नहीं हुए, जिसकी वजह से किसी सामने वाले को बुरा नहीं लगा जिसकी वजह से आपका गुस्सा उतर गया तो ये एक अकेला ट्रेट है जो मैं अपने तो दिखा भी नहीं सकती मैंने कितनी डायरीज़ भरी हुई हैं क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने एज इन्फ्लुएंसर खड़ी हूँ तो मैं ये दिखाऊंगी कि मेरी लाइफ तो बहुत परफेक्ट है हमारी भी लड़ाई होती है मेरे भी झगड़े होते हैं मैं भी एक आ, मैं भी अपने लॉज़ में रहती हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी मिसकम्यूनिकेट हो जाती हैं कभी एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग कभी कभी नहीं बनती आ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और मुझे इस चीज़ को आ, दिखाने में कोई शर्म नहीं है इस अकेली चीज़ ने मेरा कितना साथ दिया है मेरे साथ तो ऐसा नहीं है कि मेरी कोई डायरीज पढ़ रहा है या मेरे मतलब चीज़ों को कोई छेड़ रहा है मेरे घर पे कोई भी ऐसा नहीं है ना किसी को मेरी राइटिंग समझ आनी बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप किसी एक सिचुएशन में और किसी पर्टिकुलर मेम्बर के बारे में कुछ लिख रहे हो तो या तो उस डायरी को संभाल के रखना या उसे उसी वक्त फाड़ देना और फेंक देना डिस्ट कर देना आ, उस पेज को वो जितने भी आपने पेज गुस्से में भरे हैं क्योंकि गुस्से में जब हम लिखते हैं तो कुछ ज़्यादा लिख जाते हैं पर अगर वो किसी ने पढ़ लिया तो ऐसा ना हो आपके लिए कुछ बढ़कर बात हो जाए और बाद में आप मुझे ब्लेम करो <laughs> तो इस चीज़ को आप प्लीज़ अपने माइंड में रखना कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आप उस डायरी को कैसे संभालोगे मैंने ऐसा डेढ़ दो महीना करा था और उस डेढ़ दो महीने में मैं बिल्कुल गिल्टी नहीं थी नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई मैंने यूट्यूब से ब्रेक ले लिया था आ, मैंने बिना सोचे खाया है पिया है बिना सोचे कि मुझे क्या नुकसान देगा बिना सोचे जान जी को क्या नुकसान देगा और इवन उसे नहीं भी दिया बिकॉज़ टचवुड uh, मैं ऑलरेडी अपनी डाइट वग़ैरह पे बहुत ध्यान रखती हूँ तो मैंने ऐसा सिर्फ डेढ़ दो महीना करा आप चाहो तो हर महीने में एक दिन हफ्ते में तो ज़्यादा हो जाएगा एक गैस हर दो महीने में एक दिन कुछ भी खाओ कितना भी सो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी पोस्ट डिप्रेशन जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे वो मेरे पे शायद ज़्यादा ट्रोलिंग थे मेरी बॉडी पे तो अक्टूबर और नवंबर मैंने कोई वीडियोस नहीं डाली चैनल पे और मैं बस ऐसी हो गई थी कि बस अब मुझे कुछ करना ही नहीं है लाइफ में ये अनकॉन्शियस हुआ था पर इस चीज़ ने मेरे बहुत हेल्प करा सो मैंने सब छोड़ दिया था और मुझे ये लग रहा था कि बस अब मेरे को कुछ नहीं करना है हर ध्यान चीज़ का ध्यान रखना है एक हाउस वाइफ बन के रहना है बस मेरे को कोई बिजनेस का प्लान नहीं करना कोई आइडिया नहीं करना इस चक्कर में मैंने जो पंद्रह बीस वीडियोस बना रखी थी वो मैंने गुस्से में डिलीट कर दी और बिना बैकअप लिए वही ये सोचते हुए कि मैं तो बस बंद ख़त्म कर दूँगी तो इसलिए मैंने डिलीट कर दी उनका मुझे रिग्रेट है और उसमें बहुत सारी रॉ वीडियोज़ थी जिन पर बहुत अच्छा कॉन्टेंट बन सकता था पर ठीक है वो अब दोबारा बनेंगी कभी तो इस चीज़ से मैंने ये चीज़ समझी कि आपको हर वक्त प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है हर वक्त आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हाँ रोज़ मैं सब कुछ करूँगी जो मैंने सोचा है ना हो तो मत करो अपने पे स्ट्रेस मत लो और बिल्कुल ही ना हो तो दो चार पाँच दिन मैंने डेढ़ महीना लिया आप ब्रेक ले सकते हो या आपकी अपनी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा ले सकते हो मैं हाउस थी मैं सिर्फ यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह बना रही थी उस टाइम पर तो मुझे लग रहा था कि नहीं मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ उस टाइम पे तो मैंने ये भी नहीं सोचा था तो आप चाहो तो आप ये कर सकते हो जर्नलिंग की मैंने बात की है अगर आप ब्रेन डंपिंग जर्नलिंग इन चीज़ों को और अच्छे से देखना चाहते हो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो जिनसे मैंने सीखा उन चैनल्स का रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और हिंदी कंटेंट है बहुत अच्छे हैं वो यूट्यूबर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है उनसे मैं सीख रही हूँ तो उनका सिखाया हुआ मैं आपको नहीं सिखाऊंगी आप उनकी वीडियोस देखो उनसे सीखो उनसे समझो और हम आपस में शेयर करेंगे कि मैंने जर्नल करना शुरू किया मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ बट अब मैं 2022 में सोचूंगी कि मैं हूँ रेगुलर रोज के एटलीस्ट 15-20 मिनट में निकालूँ अगला जो आप स्ट्रेस और एनजाइटी के लिए कर सकते हो वो है मेडिटेशन आप चाहो आप संदीप महेश्वरी की वीडियोस देख सकते हो उन्होंने मेडिटेशन अपने स्पिरिचुअल चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं आप चाहो गुरुगोपाल दास और सदगुरुज इनकी वीडियोस देख सकते हो आप चाहो तो ब्रह्म कुमारी यानी बी के शिवानी जी का एक एप्लीकेशन है थिंक राइट डॉट मी सो मैं इस एप्लीकेशन को इसलिए प्रमोट कर रही हूँ मैं ऐसे चार पाँच महीनों से यूज़ कर रही हूँ और मेरे जो लाइफ में ट्रमेंडस रिजल्ट्स हैं वो क्रेडिट इस एप्लीकेशन को जाता है इसमें जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं और इसमें जो भी चीज़ें हैं माय oh गॉड मैं आपको बता नहीं सकती उन चीज़ों का कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है मेरी लाइफ में आप चाहो तो इंटरमीडियंट फ़ास्टिंग शुरू कर सकते हो इंटरमीडियंट फ़ास्टिंग कुछ नहीं होता सिक्सटी एस टू एट की एक रेशो होती है जहाँ पे आपको कुछ नहीं खाना होता और ये जो सोलह घंटे इसमें आप फास्ट करते हो आठ घंटे अपना फूड का विंडो रखते हो तो ऑब्वियसली बात है सोलह घंटे हम दिन में तो भूखे नहीं रह सकते तो ये रात की विंडो होती है अपने टाइम जोन के हिसाब से मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें ना मुझे नॉलेज है मैं खुद न्यू भी हूँ तो इसका भी एक चैनल है वो भी मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में आ, दे दूँगी उस चैनल का नाम है सातव मोमेंट तो जब एक नेचुरोपैथी की मैं साइकोलॉजी नेचुरोपैथी आपको पता ही है मैं इनसे स्टूडेंट हूँ तो मुझे सब कुछ पता था पर अपने पे इंप्लीमेंट करते हुए पता नहीं क्यों इतनी आफत आती थी मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी और मैं इस चीज़ से रिलेट कर पाई इसलिए मैंने शुरू भी किया उनकी बात ये थी जब तक आपका शरीर साफ़ नहीं होगा तब तक आपका दिमाग साफ नहीं होगा और जब तक आपका दिमाग साफ नहीं होगा तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ ढंग का अचीव नहीं कर पाओगे सो so, जब तक आपकी बॉडी में टॉक्सेंस रहेंगे आपकी बॉडी और माइंड बहुत अच्छे से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड तो आपका दिमाग भी स्ट्रेस एन्जाइटी और इन सब चीज़ों से भरा रहेगा वो पाँच दिन मैंने करा था एट्टी एटी टू आवर्स मैंने पूरे कर दिए थे फास्टिंग के पाँच छः दिन में और जिसमें मैं रोज़ ऐसा नहीं था कि सोलह घंटे एक दो दिन सत्रह घंटे भी हुए थे एक दो दिन तेरह घंटे में मुझे लगा था मैं कुछ खा लूँ क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई करा था पाँचवें या छठवें दिन मेरे को किसी रीज़न से वो तोड़ना पड़ा और अब तक मैं ये चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाई जिसका मुझे बहुत रिग्रेट है और अब मैं दोबारा सोच रही हूँ वो पाँच दिन ना मेरी लाइफ के बेस्ट दिनों में से एक थे बिकॉज मैं सुबह सुबह होता था मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ तो मुझे उठते के साथ ही कुछ खाना है तो जस्ट मैं उठती थी ब्रश करती थी और खाना खा लेती थी बिकॉज ये कि मैंने पूरी रात हिरदानशी को फीड करवाया है तो मेरे को सब ने ये चीज़ें सिखा रखी थी कि नहीं nah, तुझे भूखा नहीं रहना तुझे ओवर फेड रहना है जिससे जब तू फीड कराए तब भी तेरे को नॉर्मल फील हो तो वो फास्टिंग की ड्यूरेशन में मैंने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया था मैंने अपनी जो विंडो रखी थी वो रखी थी साढ़े चार बजे दोपहर के मैं कुछ नहीं खाती थी साढ़े आठ बजे तक मैं बहुत कंफर्टेबली साढ़े ग्यारह बजे तक भी रुक जाती थी और मतलब मुझे लगता था अरे यार मुझे तो भूख ही नहीं लगी नहीं तो मैं छः बजे उठ के कुछ खा रही हूँ छः बजे उठ के चाय बिस्किट ले रही हूँ और ये सब सुबह सुबह मैं चाय डाल रही हूँ इवन मैं दूध भी नहीं पीती तो मैं चाय पीती थी तो मुझे इस चीज़ का बड़ा रिग्रेट रहता था पर मेरे को ये था कि हाँ ठीक है आप दूध ज़्यादा डाल लो पानी मत डालो और दूध में पत्ती डाल के पी लो पर आपको कुछ ना कुछ खाना ज़रूर है उन पाँच दिनों ने मेरा वो मिथ खत्म कर दिया और अब मैं बहुत सीरियसली सोच रही हूँ कि मैं फ़ास्टिंग शुरू करूँगी दोबारा जब भी मैं शुरू करूँगी मेरे को जो जो बेनिफिट होते जाएंगे मैं धीरे धीरे जो जो सीखती जाऊँगी वो मैं आपको सिखाती जाऊँगी मैंने YouTube पे शॉर्ट रिव्यूज़ भी बनाने शुरू करे हैं कुछ टाइम से और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर दो दिन में एक रिव्यू तो डालूँ मुझे पता है ये बहुत कम है कंपैरिजन में बहुत लोगों के जो एक दिन में चार चार वीडियोस डाल रहे हैं बट मेरे मैं किसी के साथ रेस नहीं कर रही तो मेरे को ये लगता है कि मैं जितना अपना दे सकती हूँ मैं उतना दे रही हूँ एक दिन में कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चार पांच वीडियोस बना लेती हूँ अभी ये मेरी फोर्टीनथ वीडियो है सेम कपड़ों में सेम सब कुछ मतलब शॉर्ट्स वगैरह की भी और वैसे भी मैं पांच सात कंटेंट लिख चुकी हूँ आज दिन से तो मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहता कि uh, मैं हमेशा बहुत प्रोडक्टिव रहती हूँ या कभी ऐसा भी नहीं रहता कि मैं पूरे पूरे दिन कुछ नहीं करती ऐसा भी होता है पर तो मैं अब मैंने अब स्पेशली अपने ऊपर मेंटल और फिज़िकल लोड लेना थोड़ा कम कर दिया है इन चीज़ों का यूट्यूब एक जर्नी है एक माइलस्टोन हमने पूरा कर दिया है बाकी धीरे धीरे करेंगे पर अगर मैं किसी और के कंपैरिजन में हमेशा अपने आप को रखूँगी तो बहुत लोग मुझसे कम हैं तो बहुत मुझसे ज़्यादा भी हैं सो so, इसी नोट के साथ मैं आज की अपनी वीडियो खत्म करती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो मेरी मेहनत और इतना सारा सैक्रिफाइस भाई साहब पाँच सात घंटे हो गए मुझे ऊपर गए हुए अगर ये सब पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अब मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ बोल बोल के वीडियोज़ बना बना के दिमाग मार मार के मैं मिलती हूँ आपसे अगले थर्सडे और सैटरडे और तब तक के लिए थैंक यू सो मच आपका प्यार सपोर्ट के लिए आप मुझे कमेंट्स करते रहो और बस हम मेरे से और बोला भी नहीं जा रहा थैंक यू और बाय